नमस्कार दोस्तों, फाइंडो चैनल पर आपका स्वागत है। आज से फाइंडो चैनल पर एक एपिसोड शुरू हो रहा है, एक सीरीज शुरू हो रही है, जिस पे रीवा ज़िले के प्रत्येक गांव की जानकारी दी जाएगी। आप लोग कृपया इस सीरीज़ को देखना ना भूलें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल पर ये वीडियो सबसे पहले उपलब्ध हो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रीवा ज़िले का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रीवा कभी गुलाम नहीं हुआ, यहाँ कभी किसी अंग्रेज ने शासन नहीं किया है, हमारे लिए गौरव की बात है। विंध्याचल पर्वत की गोद में फैले हुए विंध्य प्रदेश के मध्य भाग में बसा हुआ रीवा शहर, जो मधुर गान से मुग्ध तथा बादशाह अकबर के नवरत्न जैसे तानसेन, बीरबल जैसे महान विभूतियों की जन्मस्थली है। कल कल करती बिहार एवं बिछिया नदी के आंचल में बसा हुआ रीवा शहर बघेल वंश के शासकों की राजधानी के साथ साथ विंध्य प्रदेश की भी राजधानी रही है। ऐतिहासिक प्रदेश रीवा विश्व में सफ़ेद शेरों की धरती के रूप में भी जाना जाता है। रीवा शहर का नाम रेवा नदी के नाम मां नर्मदा नदी का पौराणिक नाम कहलाता है। पुरातन काल से ही यह एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग रहा है, जो कि कौशाम्बी, प्रयाग, बनारस, पाटलिपुत्र इत्यादि को पश्चिमी और दक्षिणी भारत से जोड़ता रहा है। इसलिए इन जगहों की सभ्यता, संस्कृति एवं भाषा काफ़ी कुछ रीवा से मेल खाती है। दोस्तों, रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी थी एवं संभागीय मुख्यालय होने के कारण एक प्रमुख नगर के रूप में जाना जाता रहा है। वर्तमान में नगर निगम रीवा का क्षेत्रफल 102 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रीवा जिले में चिकित्सा महाविद्यालय, आयुर्वेद महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, गुरु गोलवरकर महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, इन सबके साथ साथ यहाँ विश्वविद्यालय होने के कारण इसका निरंतर विस्तार हो रहा है। रीवा समुद्र तल से 1823 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह उत्तर में इलाहाबाद, दक्षिण में कटनी, पूर्व में सीधी तथा पश्चिम में सतना जिलों से घिरा हुआ है। अगर यहाँ के मौसम की बात करें तो इसकी भौगोलिक स्थिति एवं समुद्र से दूरी होने के कारण यहाँ का मौसम काफ़ी सामान्य। रीवा जिला लगभग 30 लाख की जनसंख्या को अपने में समाहित किए हुए मध्य प्रदेश की व्यावसायिक, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक राजधानी एवं शिक्षा संस्कृति का केंद्र है। आज का रीवा काफ़ी विकासशील एवं यहाँ के युवा शिक्षावान तथा ऊर्जावान हैं। आज के रीवा एवं यहाँ के कल्चर, यहाँ के युवाओं के बारे में मेरा अगला जो वीडियो रहेगा वो देखना ना भूलें। मैं आज जो प्रेजेंट में रीवा है उसके युवा क्या सोचते हैं रीवा के बारे में और उनका रहन सहन कैसा है, ये मैं आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे रीवा के युवा दुनिया तमाम के बड़े शहरों की तरह लाइफ स्टाइल जीने में लगे हुए हैं। दोस्तों, रीवा दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर रीवा किला, व्यंकट भवन, गोविंदगढ़, रानी तालाब, लक्ष्मण बाग, चिरहुला मंदिर, बाघेला संग्रहालय, चचाई जलप्रपात, क्योटी प्रपात, पंधर पार्क, कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम तथा कई बड़े बड़े मॉल एवं बहुत ही ऐतिहासिक पुरानी मार्ग। बने रहिए मेरे चैनल फाइंडोज पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि जानकारी मिले हमारे विंध्य प्रदेशवासी।